नहीं नहीं मैंने ही बुला रहा था, हो गया भाई चलो आप। साउंड कैमरा एक्शन सही पकड़े हैं। चलिए हाँ मिला मिला। अच्छा हमें कुछ बोलना है, हमें ओवरलैप हो रहे हैं। इसमें कौन बैठा है? कोई बैठा था यार। नहीं इधर। हाँ इधर कहाँ हो गया? आओ ना इधर अंदर आओ। मैडम इधर आके बैठो। शिवा उपाध्याय जी सर, उपाध्याय सर, अरे हम सब बुला रहे हैं। सुनो आगे आओ। मैं आप लिख नहीं रही हो? अरे भाई हम देख रहे हैं ना दादा, ये फ्रेम में तो आने दो ना। अरे यार पता चला मुंह में किधर से इधर सब आ रहे हैं। इधर होता सबु ये क्या? अच्छा ये कोई चौंका रहा है दादी जी? ये सर लो लो सर, वो सामने सामने देखो। अरे देखो देखो सामने, अरे सामने देखो। नहीं नहीं ये सामने देखो। अरे वो सहलो 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 पहले तो मुझे अपने हमको हमारे सारे टेक्नीशियंस का शुक्रिया अदा करना है, हाथ जोड़ के। आप है तो हम है, आप है तो हम है, आप हमारे दिल में रहते हैं। आपने बड़ी शिद्दत से मेरे टेक्नीशियंस ने, चैनल की टीम ने, मेरे एक्टर्स ने कोविड के टाइम में एक साल सेट के अंदर रहे थे, सेट के अंदर लॉक्ड। शुभांगी जी जिसकी बच्ची है उसको मैंने जब पूछा था आप सेट के अंदर रहेगी लॉक, एक सेकंड नहीं बोला कि मैं बताती हूँ, मैं फ़ोन करती हूँ, मैं बोली मैं रह जाऊँगी। इतनी हिम्मत प्रोड्यूसर के पीछे, जो जो जिससे भी पूछा सब ने हाँ बोला, सब ने। टेक्नीशियंस तो रहे ही थे, हमने हाथ जोड़ के मुश्किल में से, अच्छे टाइम्स में से, सब चीज़ में से हमने 7 साल एक शो चलाना कोई आसान बात नहीं है। एक आज हमारे शो के सामने दूसरे चैनल्स पे करीना कपूर की पिक्चर, इसकी पिक्चर, सलमान खान की पिक्चर, एक एपिसोड को 7 साल बिना गिरे चलाना, और एन टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने भले दूर नायगांव में पर हमें इतना अच्छा शो दिया करने को, जिसमें से जिस शो में से 2 दिन आने वाले कैरेक्टर भी बहुत बड़े हो गए, जैसे कि हमारा हप्पू बहुत साल से हमारे साथ था, वो 2 दिन बुंदेलखंडी रोल एक करने आया और उसमें से एक शो बन गया हप्पू की उल्टन। भाभी जी ऐसा शो है जिसके ऊपर भगवान ने हाथ रख दिया। मास्टर जी 2 दिन के लिए आए थे, खाली संस्कार नाम की चीज है कि नहीं, बच्चे बच्चे के मुंह पे रोज आते हैं, रोज कदम रखेंगे, हम आपको जाने ही नहीं देंगे यहाँ से, आपको रोजी रोटी खुशी सब। ये टीम नहीं है, ये एक फैमिली है, एक बहुत बड़ी फैमिली है। हमारी फैमिली में 2 टाइगर्स है, आसिफ भाई और शुभांगी, लड़ाकू टाइगर। हमारी फैमिली में 2 बेचारे रैपिड्स भी है, ससले एक, एक रोहिता जी और एक सुमित जी, जिसको ऐसे लगता है कि प्रोटेक्ट करो सब लोग। और हमारी फैमिली में हम लोग कभी भी वर्क को वर्कर्स नहीं है, हम सब एक फैमिली भाई बहन बनके काम करते हैं।
एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू. इतना गर्व है कि मेरे को जब भी अवार्ड मिलता है हमको तो ऐसे नहीं लगता है कि कोई अवार्ड मिला. ये जो फैमिली है ना, हर एक हिस्सा इस फैमिली का, वो मेरी छाती पे एक मेडल है, 7 साल का मेडल जो जिंदगी भर. साइड साइड नीचे नीचे भाई वो भाई थोड़ा साइड ओ अरे यार साइड 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 नीचे साइड 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 क्या मिलेगा. एक फोटो ले लो योगेश जी. केक खाइए खिलाइए. हाँ अंदर है ना अनीता. अच्छा केक कट गया. आ जाइए ट्रांसफर ले लीजिए. 7 इयर्स सर सर साइड में थोड़ा साइड क्या है सर. मैम लाइव जा रहा है थोड़ा सा. देखिए 7 साल कैसे पूरे हो गए ये हमें पता ही नहीं चला. शायद इसका एक खास वजह ये भी रही कि ये एक कॉमेडी सीरियल है और इसमें हमें सास बहू की तरह आंसू नहीं बहाने हैं, हमेशा हंसना है
और जो लिख रहे हैं वो भी हंसाने वाले ही लोग हैं, तो जहाँ पर हंसी का हर्षोल्लास का एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पर समय कैसे बीतता है ये पता ही नहीं चलता। तो ये 7 साल कैसे बीते ये हमें भी पता नहीं चला, लेकिन सफ़र बहुत हिचकोले खाने के बाद भी बहुत खूबसूरत रहा। सही पक रहे हैं। हाँ, तो 7 साल सच में कैसे बीत गए बिल्कुल भी पता नहीं चला। सबसे पहली चीज़, कैरेक्टर्स इतने खूबसूरत हैं और राइटिंग इतनी अच्छी है, कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है, और इस शो में आज भी वो ताजगी बनी हुई है क्योंकि हर दिन हम कुछ उतनी ही उत्साह के साथ यहाँ आते हैं। हमारे जो राइटर हैं मनोज जी और रघुवीर जी, शशांक सर, मतलब जो एंटायर टीम जो है वो सभी लोग बहुत एंथुसियाज्म से अभी भी काम कर रहे हैं। किसी भी दिन ऐसा नहीं होता कि अरे हम वही चीज़ दोबारा हो रही है, लेकिन जो क्वालिटी है, जिस तरह की राइटिंग है और लोगों का जो प्यार मिल रहा है वो अभी तक इस पूरे 7 साल में कंसिस्टेंट है। तो आई थिंक ये रीज़न है, और क्रेडिट पूरी टीम को जाता है, वो चाहे हमारी कैमरा टीम हो, मेकअप, लाइट और सभी लोग, सेटिंग, एवरीवन, वो इतना अच्छा काम करते हैं कि हमको कश्मीर वश्मीर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सारा इस हॉल में बन जाता है, लंदन भी यहाँ हो जाता है। सब यही बन जाता है। शिवाजी, पहले टेक की बात करें, 7 साल पहले को शेयर करेंगे, क्या मोमेंट था, क्या माहौल था, और किस तरह का आपका सीन था पहले सीन जो 7 साल पहले जाते हैं? देखिए, 7 साल पहले क्योंकि चीज़ें फिक्स नहीं थी, चीज़ों का किस दिशा में मुड़ेंगी चीज़ें ये कुछ पता ही नहीं थी। बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं बाद में भी इंट्रोड्यूस हुए धीरे धीरे करके, जैसे टीका मलखान टिल्लू के कैरेक्टर हैं वो धीरे धीरे करत करत जैसे जैसे स्क्रिप्ट आती गई और जुड़ते चले गए। गुलफाम गली का कैरेक्टर था और भी। अरे 6 महीने की तनख्वाह कब दोगे, बोले जा रहा हो तुम? देखो ये बोला है, 7 साल हो गए तनख्वाह ना दे रहे, तुम कब दोगे? वो कभी ना देंगे मेरे बीच। आ जाओ। तो ये जो चरित्र गुजरे जो तनख्वाह के लिए अभी भी रो रहा है, कसम खा के कह रही हूं ये बहुत बड़ी चिरांद है, 7 साल गुजर गए आज भी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, और मालिक से दुआ कर रहा हूं अगले 7 साल तक भी ना दें क्योंकि शो चलता रहना चाहिए। तो ये सारे कैरेक्टर जुड़े और चीजों में बहुत सारी तब्दीलियां हुई जो बहुत खूबसूरती के लिए थी और बहुत खूबसूरत समा रहा। आप क्या कहना चाहेंगे सुनील भाई? ये बोल तो लिए बहुत। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मालिक ये 7 साल हुए हैं, आगे भी सिलसिला यूँ ही प्यार मोहब्बत का बना रहे। बेहतरीन टीम मिली है, रोहित सर हैं, ये मोहब्बत है इनके कि छोटे भाई को प्यार देते हैं। शुभांगी जी लेजेंडरी हमारे साथ हैं, जुड़ी हुई हैं। आसिफ शेख सर हैं, सानंद भाई हैं, पूरी टीम लाजवाब है, और मैं समझता हूँ शशांक सर ने जो है माला पिरोई है और हर दाना जो है वो हीरे के समान है। वाह, बिल्कुल सही। सानंद, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि 7 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। इतना मज़ा आया हम सबको ये शो करने में, और हम सब यही दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अगले 7 साल और ये शो इसी तरह चलता रहे। उसके बाद जब 14 साल हो जाएंगे तो फिर मैं यही कहूँगा कि अगले 14 साल ये शो ऐसे ही चलता रहे। इतना प्यार है मुझे और हम सबको इस शो से। एंड लास्ट बट मतलब लास्ट इज सिर्फ इस सवाल के लिए कि इस पूरी टीम को संजो कर रखने के लिए जो क्रेडिट जाता है बिनाफर मैम को, जो कभी बिल्कुल हम लोगों को प्रॉपर पकड़ के रखती हैं। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। एंड आई वुड लाइक टू से स्पेशल थैंक्स टू बिनाफर मैम एंड संजय सर फॉर दिस लवली अपॉर्चुनिटी। मुझे इतने बड़े परिवार में आपने जो मौका दिया और परिवार का हिस्सा बनाया, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएं, मैं एक एंकर रही हूँ लेकिन शब्द मेरे पास हमेशा बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन मैम ने जितना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देकर मुझे, जैसे बोलते हैं ना पकी पकाई बिरयानी में मुझे एक चम्मच दिया कि लीजिए आप भी खाइए, सो आई एम रियली लकी। एंड रोहिताश जी, शुभांगी, सो क्रेडिट गोज टू मैम, लाइक मैम एंड सर, बिकॉज इतने बड़े परिवार को संजो कर रखना, प्यार से रखना, हम लोगों को कई बार ऑब्वियसली इमोशनल रोलर कोस्टर राइड्स होते हैं, बट उन सबको संभालते हुए एंड थैंक यू आज मेरे से झगड़ा नहीं करने के लिए और मेरे साथ अच्छी तरह बात करने के लिए। सो वी आर लकी, थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों का भी साथ हमेशा रहा है। अभी अनूप उपाध्याय सर हमारे सबसे सीनियर एक्टर हैं, ये कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि 7 साल हो गए और फर्स्ट ईयर से मैं हूँ, और मैम का इतना बड़ा हम लोगों के साथ सहयोग रहा है हमेशा। हम किसी भी जगह पे मुसीबत में हैं या बहुत खुशियों में हैं, हमेशा आप मैम साथ रही हैं, और हमारी टीम इतनी कमाल की है कि हमें सेट पे यही नहीं लगता कि हम घर पे हैं या सेट पे हैं। घर पे ऐसा लगता है कि जल्दी से सुबह का कॉल टाइम आया और हम सेट पे पहुंचे, फिर बातें हो, काम हो, मस्ती हो, और मस्ती मस्ती में रात के 9 बज जाते हैं। जिस दिन अनूप जी आते हो रोहित जी के रूम से,
तो घर भी यही ले लिया। और घर से जल्दी सेट पे आने का की वजह सेट नहीं है, वो बीवी है। मुझे बोलते हैं, बाकी को पता नहीं। इन्होंने तो भी ले लिया इस वजह से। क्या कर रहे, मार के लाओगे मेरे रैबिट को? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यस प्लीज, ये जो हमारे 7 साल हुए हैं ये कम है शायद, आगे भी बढ़ेंगे। जी जी बिल्कुल, और बढ़ना ही चाहिए। अगर किसी ने कहा कि कम होंगे तो काई कान टॉयलेट आर लगा ले टॉयलेट में। अरे आइए ना टॉयलेट। एक्सक्यूज मी, आप लोग ध्यान दीजिए भैया, ये प्यार हमारा बरकरार है सालों साल से है, और खासकर मैडम का जो प्यार है हमेशा हम पर बना है और बना रहेगा। आज सब लोग मेरे बारे में अच्छे अच्छे नहीं आप है ना, आपके सामने बोलेंगे मैम जो नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पीछे 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 भी बात होती है कि ऐसा नहीं। तो ये दो मेरे अनमोल रतन है इस शो में, हम तीनों एम्बुलेंस से आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। मैं इनसे कहता हूँ कि ये शो अगर 7-8-10 साल और चला तो कैसे मालूम पड़ेगा प्रोडक्शन वाले को कि हम लोग आ गए, एम्बुलेंस की आवाज आएगी वाह वाह वाह, बोले होताश जी आ रहे हैं, दूसरी एम्बुलेंस की आवाज आएगा वाह वाह, बोले आसिफ शेख आ रहे हैं, बोले हटो हटो स्ट्रेचर आ रहा है, स्ट्रेचर आ रहा है, स्ट्रेचर पे लेटे हुए हैं, ऑक्सीजन लगी हुई है, लेकिन एक्टिंग के कीड़े मरे नहीं अभी तक। उसमें भी बोल रहे भाभी जी घर पर आ रहे हैं। एक सेकेंड, आज तक कम